आप ही अम्मी कह रही हैं आप जल्दी से तैयार हो जाएं। क्या खूबसूरत जोड़ा भेजा आपकी सास ने आपके लिए शादी का। आप ही आप रो रही हैं? उजाला आप ही आप क्यों रो रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, इतने बड़े घर से आपका रिश्ता आया है। और आपको पता है अम्मी बता रही थी उनके पास एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियां हैं और उनका घर बिल्कुल महल जैसा है। ऐसे महल किसी को खुशी नहीं दे सकते जिनकी तामीर जुल्म के ईंटों से की गई हो। उजाला आप ही आप ये बात इसलिए कह रही है ना कि उनकी कंपनी में अब्बू जी और जोए भाई का इंतकाल हुआ है, और अगर ये हादसा नहीं हुआ होता और इतने बड़े घर से आपका रिश्ता आता तो आप खुश होती ना। वो एक हादसा नहीं था, हादसा नहीं था, वो कत्ल था, कत्ल, मेरे बाप और भाई का कत्ल। जहां मजदूरों को उनके हुकूक ना दिया जाए और उनके हक के मुताबिक उन्हें सहूलियात ना दी जाए वहां हादसे नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कत्ल होते। ऐसी कंपनियां कारखाने नहीं मक्तलगाह बन जाती है, मक्तलगाह। आप ही अपने आप को संभाले और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। आपको पता है अम्मी बता रही थी वो लोग आपको बहुत खुश रखेंगे, उन्होंने अम्मी से वादा किया है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाए। अम्मी ने शाजियाबाद जी को बोले वो आपके हाथों में आके मेहंदी लगाएंगी। चलो बेटा देर हो रही है, लेट्स गो। किसका फोन? सोबिया का। ये वक्त मुनासिब नहीं है सोबिया से बात करने का। मैं चाहता हूं कि सोबिया को सब कुछ सच बता दूं। इस वक्त तुम उसे कुछ नहीं बताओगे, वो बहुत जज्बाती लड़की है, कोई हंगामा ना खड़ा करते। तुम उसे इत्मीनान से बाद में बता देना, ठीक है? अब चलो, शाबाश। मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम क्या समझती मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? ये जो सब कुछ कर रही हूँ तुम ही लोगों के लिए तो कर रही हूँ। अम्मी आप क्यों नहीं समझती हैं? ये सब उनकी चाल है, वो हमारी मजबूरियों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो बेटा, निकाह में बहुत बड़ी ताकत होती है, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह तुम वहां खुश रहोगी। मैं तुम्हें इस घर में जो कुछ नहीं दे सकी इंशाल्लाह वो सब कुछ तुम्हें वहां मिल जाएगा। ये सब आपकी सोच है अभी, सोने का पिंजरा कितना ही क्यों ना सीन हो, कैद की अजियतों को कम नहीं कर सकता।
एक फरेब है अम्मी, ये झूठ है खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मुझे झूठ के हवाले मत करे अम्मी, मत डाले मुझे इस आजमाइश में, अब मत करे उनकी बातों का यकीन, वो झूठे हैं, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है अम्मी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी अम्मी, अम्मी प्लीज मान जाए अम्मी, अम्मी अम्मी मेरे ख्याल में निकाह शुरू करें, मुझे आपसे अकेले में कोई जरूरी बात करनी है। उजाला बेटा, तुम्हें अल्लाह की कसम पर तो यकीन है ना? देखिए, मैं ये सब अपनी तसल्ली के लिए नहीं, अपनी बेटी की तसल्ली के लिए कर रही हूँ। कैसी तसल्ली? आपको मेरी बेटी की तसल्ली के लिए अल्लाह की कसम खानी होगी। कि आप मेरी बच्ची को हमेशा हमेशा खुश खुर्रम रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप ये कसम खाएंगे तभी निकाह होगा। जी काफी देर हो गई है, अंदर चलें। अगर मैडम आ गई ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कभी कभी तो खुली फिजा में सांस लेने का मौका मिलता है। सबिया अभी आने वाली नहीं, खुद तो बंद कमरे से निकल के कूदती फिरती हो। मुझसे पूछो बंद कमरे में कैसी वहशत होती है, कभी कभी तो दम घुटने लगता है। दादी मैं क्या करूँ, अगर मेरे बस में हो तो मैं सुबह शाम आपको इस खुली फिजा में लेकर आऊँ, लेकिन मैडम की डांट से बहुत डर लगता है मुझे। कभी कभी तो सोचती हूँ कि किसी गरीब की माँ होती, ये महल जैसा घर ना होता, एक किचन होता और बड़ा सा सहन होता, चारपाई पे लेटी रहती, कम से कम ये कैद तो ना होती। चारपाई पे लेट के बादलों को देखती, सूरज को गुरूब होता देखती, चांद तारे देखती, परिंदों की चहचहाट सुन। लगता है मैडम आ गई, आपसे कब से कह रही थी दादी अंदर चले। अरे ये तो सोबिया बीबी है। सोबिया बेटा अंदर कोई नहीं है, यहाँ आओ मेरे पास बैठो, मैं भी तो अरमान की दादी हूँ। हम निकम दादी। वालेकुम अस्सलाम दादी। आंटी और अरमान कहाँ हैं? वो लोग तो घर में नहीं है, तुम फोन करके पता कर लो। बेल जा रही है लेकिन उठा नहीं रहा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं नहीं। हाँ नगीना जाओ, अच्छी सी चाय बना के लाओ, आज मैं और सोबिया साथ चाय पियेंगे। नहीं नहीं अभी मुझे कहीं पे जाना है, अरमान भी नहीं है, मैं आपके साथ फिर से आके आराम से चाय पीऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़।
चलो नगीना अंदर चलो। आप लोग खामोश क्यों हैं? ये नहीं हो सकता। आप लोगों को हम पे एतबार नहीं है जो आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। दुनिया आंख बंद करके हम पे भरोसा करती है। हमारा खानदान इस शहर के उन चंद खानदानों में से शुमार होता है जो काबिल एतबार है, लेकिन मैं आप पर यकीन नहीं कर सकती। लड़की, तुम शायद हमें सही से जानती नहीं, वरना तुम ये बात कभी ना करती। मैंने सिर्फ अपने बूढ़े बाप और जवान भाई का जनाजा देखा है, जिसकी वजह आप हैं। देखिए, आप जरा बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची इस घर से जब रुखसत हो तो बिल्कुल मुतमईन और सुकून के साथ इस घर से जाए। उसके दिल में कोई शुकु को शुभात कोई खदशात ना रहे। ठीक है, अरमान कसम खाएगा। तो ये लीजिए, ये रहा कुरान। हाथ रो। अरमान, अरमान, अरमान रुको। ये क्या हरकत है, क्या बचपन है? अम्मा क्या, अम्मा क्या हो गया है आपको? अरे इनकी क्या औकात की है हमें बातें सुन रही? अरे इन्हें तो खुश होना चाहिए कि आप इसे अपनी बहू बना रही हैं। अच्छा, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। अम्मा क्या काम डाउन, अरे इनकी हैसियत ही क्या है हमारे आगे? आप चाहती हैं कि मैं इनके इशारों पे नाचूं? अम्मा, डू यू रियलाइज कि सोबिया मुझे कॉल कर रही है? क्या कहूं मैं उसे कि मैं यहां पर निकाह कर रहा हूं? ये वक्त सोबिया को डिस्कस करने का नहीं, फिलहाल तुम अंदर चलो। अम्मा आप जानती हैं कि मैं सोबिया से मोहब्बत करता हूं, मैं ये शादी नहीं करूंगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारा इनकार ना सिर्फ मेरे पॉलिटिकल करियर को बल्कि मेरी इज्जत को भी बर्बाद कर देगा। एक तमाशा खड़ा हो जाएगा और ये सब कुछ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि कितनी मुश्किल से मैं इस मकाम पे पहुंची, क्या क्या सेक्रीफाइसेस दिए मैंने, और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें ये शादी करनी होगी। और अगर मैं ये शादी ना करूं तो मैं तुम्हें अपने जायदाद से आग कर दूंगी। स्वीटहार्ट, क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, किधर हो तुम? क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? तुम्हें पता है अरमान कहाँ है? कम ऑन डूड, मैं तो खुद मीटिंग के लिए यूके आया हूँ, मुझे क्या पता वो कहाँ है। और ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं बहुत बिजी हूँ। अरमान फोन नहीं उठा रहा, इनफैक्ट पहले तो रिंग कर रहा था, अब तो फोन भी बंद हो गया।
Come on, यार, उसकी मोबाइल की बैटरी डेड हो गई होगी. जैसे ही तुम्हारी मिस कॉल देखेगा तुम्हें कॉल बैक कर लेगा. नहीं हमजा, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग. ऐसा कभी भी नहीं होता. अरमान हमेशा मेरा फोन उठाता है कहीं भी हो. ऐसा तो पहली दफा हो रहा है. हम दिन में 5-6 दफा बात करते हैं. तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे वो किसी लड़की के साथ भाग गया या उसने कोई शादी कर ली है. शट अप हमजा, मैं वैसे इतनी परेशान हूँ, तुम और मुझे तंग कर रहे हो. तुम्हें पता है आज महक की मेहंदी है और मैं इतनी टेंस हूँ, मैं तैयार भी नहीं हो पा रही हूँ. Why don't you just enjoy your event? I mean, just have fun. उससे बात हो जाएगी, तुम्हारी परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा, I'm also getting late, so I gotta go. Bye bye. बीबी जी, बड़ी बेगम साहिबा बोल रही है, जल्दी से तैयार हो जाएं, देर हो रही है. हाँ बस मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ, उनको बोलो. मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस निकाह को पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा. अब तो मुतमईन हो ना तुम? मेरे ख्याल में निकाह शुरू करते हैं, काफी देर हो चुकी है. जी ठीक है. जरीना, आई थिंक अब हम रुखसती कर लेते हैं. ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते, वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है. जी जी, जैसे आपकी मर्ज़ी. अस्मा, जाओ उजाला को लेके. रजा, जो कुरान शरीफ लेके आओ ना. दिल की गली से गुजर गया तू, हवा था क्या जो बिखर गया. नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया. अरमान, 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 रुको, अरमान, अरमान. जो भी है
नगीना, नगीना यहाँ क्या कर रही हो? वो मैडम पानी लेने आई थी। अच्छा ले लिया ना पानी, अब जाओ। जी मैडम। अरमान अभी बहुत गुस्से में है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और मैं भी जरा थक गई हूं। बतूल, बतूल। जी बीबी जी। बतूल इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ और इनका सामान भी वहां पहुंचा दो। जी अच्छा। तुमसे कल बात होगी, ठीक है? आराम करो। हाय बीबी जी। आइए ना। अम्मा जी, अम्मा जी, घर में ना दुल्हन आई है। किसके घर में? फिर तुम्हारे गांव में कोई शादी हुई है क्या? अम्मा जी इसी घर की बात कर रही हूँ, लाउंज में देख कर आई हूँ, बिल्कुल परियों जैसी दुल्हन थी। दिमाग खराब हो गया है, आज कच्ची नींद उठा दिया था इसलिए बहकी बहकी बात नहीं कर रही है, सो जाओ। कसम से अम्मा जी, पहले तो मुझे भी लगा था कि जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी ऐसे यहाँ। इस घर में किसकी शादी होगी? अरमानी की तो होना है, और ऐसे नहीं करेगी सबिया उसकी शादी, धूम धड़क्के से करेगी। सारे शहर को तस्वीरें भी तो दिखाना है। अच्छा अब सो जाओ। अम्मा जी आपको यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा था, मैंने तो अपनी उंगली काट कर खुद को यकीन दिलाया था। अच्छा मेरा सर ना खाओ, जाओ सो जाओ, लाइट बंद करो और इसे भी रखो। चले अम्मा जी। अच्छा पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची इस घर से जब रुखसत हो तो बिल्कुल मुतमईन और सुकून के साथ इस घर से जाए। ठीक है, अरमान कसम खाएगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस निकाह को पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ ना, तुम अभी तक सोई नहीं? अम्मी नींद नहीं आ रही, आप ही के जाते घर कितना सुना सुना हो गया है ना। हाँ बेटा,
उजाला के दम से बड़ी रौनक थी इस घर में, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक बहुत बड़े फर्ज से सुबकदोश हो गई। मम्मी आप ही खुश तो होंगी ना? क्यों नहीं खुश होगी? लो बोला, इतनी अच्छी ससुराल नसीबों वालों को मिलती है बेटा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े घर से उसका रिश्ता आएगा, इतने बड़े घर की बहू बनेगी वो। अम्मी आप भी खुश है ना? हाँ जाहिर है, मेरी बेटी खुश होगी तो मैं भी खुश हूँ। इंशाल्लाह ताला आज से उसकी बहुत ही खूबसूरत और हसीन जिंदगी का आगाज होगा। अल्लाह मियां उसको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत ढेर सारी। आमीन। अच्छा आप सो जाओ, मुझे भी सोने दो। अरमान, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? आपके दिल को तो सुकून मिल गया होगा ना मेरी दुनिया उजाड़ कर। आपने अच्छा नहीं किया मुझे ब्लैकमेल कर। बेटा तुम्हारी दुनिया बिल्कुल वही है जो कल थी। तुमने ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए की है। व्हाट इज चेंज इन योर लाइफ? नथिंग। वो तो गेस्ट रूम में रह रही है। वो है तो इस घर में ना। ये मेरी मजबूरी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मेरी फीलिंग्स, मुझे तो यूज किया ना आपने। यू नो व्हाट, उससे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने आपकी बात सुनी। आप चाहे मुझे आग कर देती इस जायदाद से, लेकिन मुझे यह निकाह कभी नहीं करना चाहिए था। बेटा जो कुछ मैंने कहा वो इसलिए कहा कि तुम राजी हो जाओ। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। कम ऑन अरमान, भूल जाओ इस निकाह को, भूल जाओ उस लड़की को। समझो कि उजाला तुम्हारी जिंदगी में कभी आई नहीं। उजाला के नाम पर अंधेरा कर दिया आपने मेरी जिंदगी में। अच्छा बेटा नाउ लेट इट गो। अरमान, सोफिया, हाउ कुड यू डू दिस टू मी? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो।
बेटा मेरी बात सुनो। आंटी प्लीज लेट मी टॉक टू हिम। जब आप दो तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सुबिया मेरी बात सुनो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सब किया धरा मेरी माँ का है। माँ का? लेकिन मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, आंटी कहाँ से आ गई इस बात में? तुम हंस क्यों रहे हो? I'm so sorry, मैं actually कल अपना फोन भूल गया था कमरे में। तुम आंटी को क्यों बोल रहे थे? बेटा ये तो पागल है। अरे कुछ नहीं, बस वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब चलो let's go have breakfast, हाँ? तो यहीं पे कर लेते हैं। अरे नहीं आओ मैं आज, let's try it with this, हाँ? Okay bye आंटी, I'll see you। तुम्हें क्या हो गया? से गुजर गया तू हवा था क्या जो बिखर गया नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया अरमान, तुम्हें पता है मैं इतनी अच्छी लग रही थी अपनी सब कजिन्स में से सबसे ज़्यादा अच्छी, सब कह रहे थे। मैं तुम्हें पिक्चर्स भी भेजी थी, ना तुम आए ना तुमने पिक्चर्स देखी। अरमान, हाँ? कुछ पूछ रही हूँ मैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब तुम्हें पता है शादी एक्चुअली चाचू के घर में हो रही है, लेकिन घर में इतना शोर शराबा है, इतने सारे गेस्ट हैं, इट्स क्रेजी। इनफैक्ट तुम्हें आज आना भी है, पता है मामा भी कहीं थी कि तुम आओगे तो सबसे मिल लोगे, एवरीबडी इज सो एक्साइटेड टू मीट यू। अरमान, क्या कह रही थी? मैं तुमसे बात कर रही, मैं भी यही पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सोबिया कुछ नहीं, एवरीथिंग इज ओके। तुम कुछ तो छुपा रहे हो फॉर श्योर। अरमान तुम्हें पता है ना मैं कितनी बिजी हूँ, मेरे कजिन की शादी चल रही है, घर पे इतने सारे मेहमान है, मैं पूरी रात की सोई हुई भी नहीं हूँ, मैं सुबह सुबह तुमसे मिलने के लिए आ गई हूँ। Look, Sophia, I'm really sorry, yeah. At least तुम तो मुझसे नाराज ना हो। तो फिर मुझे बताओ जो मैं पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? लगता है सोफिया को मेरे निकाह का पता चल गया। नहीं, मुझे सोफिया को कुछ नहीं बताना चाहिए। अरमान!